गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। मैंने लगाया था काजल, तो इस वजह से मेरी आंखों के नीचे ना काजल आ गया है। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं काजल तो कभी लगाती नहीं हूँ, तो काजल कैसे दिख रहा है? तो बस कल मैंने लगा लिया था, मन कर रहा था इसलिए। तो बस मेरे पता काजल क्यों नहीं लगाती, मैं काजल लगा लेती हूँ ना तो मेरी आंखों के नीचे वैसे भी डार्क सर्कल बहुत सारे हो रहे हैं, तो वो आ जाता है नीचे की साइड में और फिर मुंह और बेकार लगने लगता है। तो फ्रेंड्स, सुबह के ये देखो सुबह के बजे हुए हैं, घड़ी कहाँ गई हमारी, इधर गई। सुबह के बजे हैं 9 और थोड़ी देर पहले ही मैं 8:30 बजे उठी थी सो के, क्योंकि आज है संडे तो मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ मैगी खाने के लिए नाश्ते में। एक बार चाय पी चुकी हूँ, दोबारा से बनाने जा रही हूँ मैगी। ये पापा की शॉप है तो यहाँ पे अपना मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगाने के लिए आई थी, तो अभी मैं जा रही हूँ अंदर किचन में। तो ये दुकान है पापा की, तो चलो चलते हैं किचन में, क्योंकि हमारी तो स्टार्टिंग होती है वहीं से व्लॉग की। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बनी रहिएगा और आज क्या क्या करने वाले हैं आप लोग एंजॉय कीजिएगा संडे को फुल एंजॉय। तो फ्रेंड्स, मेरी तरह एंजॉय कीजिए। आज मैं अपना क्या क्या करने वाली हूँ वो भी मैं आप लोगों को आज पूरा वीडियो दिखाऊंगी इसमें, और मतलब कि दो वीडियो बनाऊंगी फुल डे का। तो आज मिलेगा आप लोगों को ब्लॉग और एक इसका कल मिलेगा, क्योंकि फुल वीडियो बनाने से ना क्योंकि काफ़ी लॉन्ग हो जाती है वीडियो, फिर आप लोग ना उसको पूरा वॉच नहीं कर पाते, इसलिए मैंने डिवाइड कर दूंगी दो पार्ट में। तो चलिए जाती हूँ मैं किचन में, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। गेट बंद कर देती हूँ क्योंकि डॉगी वगैरह आ जाते हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े हुए हैं, ये धुलेंगे। लाइट चली गई है, पानी मैंने भर दिया है इधर। तो मैं यहाँ पर ना मैगी अपनी ऑनियन वगैरह भून के रख गई थी, अभी मैं डाल देती हूँ इसमें थोड़ी सी हरी मटर। हरी मटर इसमें थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, इसका कच्चापन निकल जाएगा। फिर तो उसके बाद मैं टमाटर डाल दूंगी और मम्मी करके आ गई पूजा, तो ये रखा है शिमला मिर्च। और मम्मी कर रही है थर्ड पूजा, पापा पढ़ रहे हैं अपना अखबार, तो अपनी पूजा करके अभी आई हैं ऊपर जल चढ़ा के छत से। तो वो तो अपना नहा धो के हो गए फ्री, उन्होंने अपना पूरा कर लिया है काम, बस हमारा ही रह गया। और देखो सब्जी भी बच रही है, सब्जी बन गई हमारी भी बन गई, पापा की भी बन गई। बस आटा वगैरह भी नहीं लगाया इसमें, है मैगी ये लिए थे मम्मी ने डिब्बे, यहाँ बेचने आया था तो उन्होंने ये ले लिए थे। तो चलो फटाफट से बना लेती हूँ। और ये देखो दिव्या क्या कर रहे हो, मैंने इसको बिठाया था पढ़ने के लिए और वहाँ पर कर रहा है वो उधम पढ़ाई की जगह। टमाटर डाल दिए, इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा नमक। फ्रेंड्स, मैगी मैंने बना दी और सभी को खिला भी दी है, दे दी। जेंस खा रहे हैं, पापा भी खा रहे हैं और मैं भी अपने लिए चाय बना के और मैगी ले आई हूँ। तो मटर मटर डाल के ना मैगी बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखो इसमें डाली मैंने मटर वगैरह, सारी चीज़ें डाली हैं। तो चलिए खा लेते हैं, आप लोगों को पसंद है तो आप भी खा लीजिए। दिव्यांश ले आया है मेरे पास में ही, इस पर बैठो। दिव्यांश की चाय, दिव्यांश की मैगी। तो चलिए खा लेती हूँ मैं फटाफट से, फिर उसके बाद मैं जाऊंगी ऊपर छत पे। जाओ नीचे आराम से। सूरज निकल आया है, झाड़ू लो, ठुड्डी झाड़ू, बैठ जाओ आराम से थोड़ी देर, नाना जी कर देंगे। तो गिर गया ना प्लांट, गिर गिरा दिया बंदरों ने। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ फटाफट से।
सब बच्चे बैठे हैं छतों पे धूप लेने के लिए, उधर बच्चे खेल रहे हैं। चलो मैं लगा देती हूँ फटाफट से झाड़ू और आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। अच्छा उधर नहीं, उधर लगा, उधर उधर बंदर बोल ना देंगे ना कछु बिना बात के ना इतना खराब करती है मम्मी। तुलसा जी तक तो बोल ना दे रही, पता तुलसा जी को पेड़ में इतनी भारी है जहां में लात मार के गिराए गए, कहा छोड़ देंगे। मुझे क्या पता, कितने हाय हत्या कर रहे हैं। अब तोड़ लो, क्या तोड़ोगे और क्या। काट लेता ही है? काट नहीं काटेगा, मुझे भी काटना आता है, मुझे तो अपने टीटी काटना आता है। मेरे पास बस एक चम्मच होती, बताओ कैसे चाकू जैसी तो ही काट देते की काट फिर आते। सो फ्रेंड्स मैंने लगा दी झाड़ू छत पे और देखो एकदम होगी क्लीन,
और वहाँ पे जा रहे हैं अपना हथियार, हम जा रहे हैं अपने हथियार के वो पास। लकड़ी पड़ी हुई है क्योंकि ये भरोसी है तो पानी वानी गर्म होता है। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे, थोड़ा सा झाड़ना है मुझे झीना और फिर करनी है नीचे की सफाई ऊपर की, क्योंकि पूरा दिन हम लोगों को यही रहना है। अभी जो साग वगैरह काटा था मम्मी ने तो वो यहीं पे सुखाएंगे, इससे ना धूल मिट्टी तो भी नहीं उड़ के आएगी उसके ऊपर। बंदर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, पापा चले गए नीचे तो मैं भी जा रही हूँ अब नीचे। चलो चलते हैं, अब कब आओगे ऊपर? अब नहा धो के आएंगे फ्री हो के, नहा के आएंगे। जब नानी फ्री हो जाएंगी, नाना जी फ्री हो जाएंगे तब आएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।